350 सीटों पर एनडीए की महाविजय के बाद पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो स्वागत महानायक जैसा हुआ। बस कुछ ही सेकंड के अंदर आपके बीच में आने वाले हैं। बारिश की फुहार भी मोदी और शाह की विजय जोड़ी का स्वागत कर रही थी, गुलाब की पंखुड़ियां भी बरस रही थी। पार्टी के पुरोधारों को नमन करने के बाद मोदी और शाह दफ्तर की बालकोनी में पहुंचे तो हुजूम खुशी से झूम उठा। प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी, आप सबका पूरा देशवासियों का आभार व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। देश सुनने को बेचैन था कि महाविजय के बाद मोदी का पहला भाषण क्या होगा। मोदी ने कहा, ये पार्टी नहीं देश की जीत है। आज मेरी वो भावना को जनता जनार्दन ने प्रकट कर दिया है और इसलिए अगर कोई विजयी हुआ है तो हिंदुस्तान विजयी हुआ है। पीएम ने कहा कि देश ने उम्मीदों से भरकर इस फकीर की झोली भरी है, इन्हें पूरा करने में वो जीवन खपा देंगे। आज हम देख रहे हैं देश की कोटि कोटि नागरिकों ने इस फकीर की झोली को भर दिया। पीएम ने कहा कि इस चुनाव ने जातिवाद की राजनीति खत्म कर दी है, देश में अब सिर्फ दो ही जातियां रह गई हैं। अब इस देश में सिर्फ दो जाति बचेगी और देश इन दो जाति पर ही केंद्रित होने वाला है। ये जाति के नाम पर खेल खेलने वाले लोगों को ये बहुत बड़ा प्रहार इस चुनाव में हुआ है। पीएम मोदी ने अपने भाषण की अगली लाइन में कई साल पहले संसद में कही गई अटल जी की बात को आगे बढ़ाया। कभी हम सदन में दो रह गए थे, आज तो हम इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं कि आपके साथ कोई तुलना नहीं हो सकती। हम विजयी हुए, हमें विनम्रता है, पराजय में तो आत्ममंथन होना चाहिए। दो थे तब भी निराश नहीं हुए, दोबारा आए तो भी न हमारी नम्रता छोड़ेंगे, न हमारा विवेक छोड़ेंगे, न हमारे आदर्शों को छोड़ेंगे। पीएम ने कहा कि सरकार बहुमत से चलती है लेकिन देश सर्वमत से चलता है और यही उनकी कोशिश रहेगी। मोदी ने जीत की बधाई देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को शुक्रिया भी कहा। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इस जीत को राष्ट्रवाद की महाविजय बताया। ये विजय टुकड़ा टुकड़ा गैंग की विचारधारा के खिलाफ शुद्ध राष्ट्रवाद के विजय का ये विजय प्रतीक है। 2019 की जीत का धन्यवाद देने के साथ अमित शाह ने 6 महीने बाद दिल्ली में और 2021 में पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बदलाव का बिगुल बजा दिया। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। तो 2014 में तैयार ब्रांड मोदी अपनी बदौलत बीजेपी को 300 के पार ले गया। मोदी की चुनौती से निपटने के लिए तैयार हुआ महागठबंधन पूरी तरीके से चौपट साबित हुआ। दो हजार 2019 के सियासी संग्राम में नरेंद्र मोदी ऐसा धूमकेतु साबित हुए जिसके सामने ना जातियों के गठजोड़ का गणित टिका और ना महागठबंधन का फॉर्मूला। नरेंद्र मोदी के करिश्मे के आगे समीकरण ढेर हो गए। इस चुनाव में मैं पहले दिन से कह रहा था ये चुनाव कोई दल नहीं लड़ रहा है, कोई उम्मीदवार नहीं लड़ रहा है, कोई नेता नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है। यूपी में गोरखपुर, फूलपुर और कैराना उपचुनाव में जीत के बाद जिस उम्मीद में माया और अखिलेश का सियासी गठबंधन हुआ था उसे 2019 में मोदी ने चकनाचूर कर दिया। समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटें जीत पाई जबकि बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटें जीती। वहीं बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ यूपी में जीत हासिल की। ये विजय जो है देश की जनता की विजय है, ये विजय जो है भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर हर स्तर पर
काम करने वाले 11 करोड़ कार्यकर्ताओं के परिश्रम की विजय। यूपी में समाजवादी पार्टी बीएसपी और आरएलडी गठबंधन नरेंद्र मोदी के सामने ध्वस्त हो गया। वहीं बिहार में कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन भी नरेंद्र मोदी की आंधी में उड़ गया। बिहार में कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीत पाई, आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली। बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए शत्रुघ्न सिन्हा भी चुनाव हार गए। जो हमारे लीडर्स हैं, जो जीते हैं, जो हारे हैं, उनसे कहना चाहता हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरो मत, एक साथ हम लड़के अपनी विचारधारा को जिताएंगे। बिल्कुल कोई कॉन्फिडेंस नहीं खोना आपको। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस के गठबंधन को 28 में से सिर्फ 2 सीटें मिली, जबकि बीजेपी ने 25 सीटें जीत ली। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को 48 में से 5, जबकि बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 41 सीटें मिली। देश का आदेश साफ था कि उसे मौका परस्त राजनीति नहीं बल्कि मोदी वाली राजनीति चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।